Hello everyone, I am Professor N.B. Tate, welcomes you all in the 20th lecture of this in electrical and electronics measurement subject. So my dear students, we have discussed the dynamometer type of wattmeter in the last lecture. So dynamometer type wattmeter in the last lecture mein dekha tha. ये कुछ एरर्स देखे थे हमने, ठीक है, डायनामीटर में कौन कौन से एरर होते हैं डायनामीटर टाइप वैटमीटर में। उसमें फर्स्ट एरर होता है एरर ड्यू टू द मेथड ऑफ कनेक्शन, दूसरा एरर होता है एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस, थर्ड एरर होता है एरर ड्यू टू द प्रेशर कॉइल कैपेसिटर, फोर्थ एरर होता है आपका एरर ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट, फिफ्थ एरर होता है एरर ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, सिक्स्थ एरर होता है एरर ड्यू टू एडी करंट, सेवन्थ एरर है टेम्परेचर एरर, एट एरर है एरर ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मूविंग सिस्टम। ठीक है, ये आठ एरर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे और इसके उन एरर्स को कंपेंसेट कैसे करते हैं हम, ये हमने ये टेबल में देखा है। ठीक है, देन वी हैव डिस्कस्ड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनोमीटर टाइप वैटमीटर। Now, in today's lecture, we are going to discuss about the applications of this electrodynamometer type wattmeter. So, this electrodynamometer type wattmeter can be used as an ammeter as well as it is used as a voltmeter. Okay? So, first of all, we see as an ammeter its application. So, when it is used as an ammeter of low range, that is about 0.2 ampere, then the moving and fixed coils are connected in series. यानी इसमें क्या रिया है कि अगर हम डायनोमीटर टाइप यानी इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वैटमीटर को एमीटर बोल के अगर जब यूज करते हैं तब वो लो रेंज के लिए उसको यूज करना होता है। ठीक है, व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एमीटर ऑफ लो रेंज का एमीटर बोल के उसको यूज करना है और उसका करंट दिया है अबाउट 0.2 एम्पियर, तब क्या करना होता है, द मूविंग एंड फिक्स्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपका आपका जो मूविंग कॉइल एंड फिक्स्ड कॉइल्स है एमीटर में के सॉरी वैटमीटर के, उनको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, समझ लो पहला पॉइंट कि जहां अपन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप से वैटमीटर है एमीटर में यूज करतो, ठीक है, लो रेंज साठी करंट ची रेंज दिलेली अबाउट 0.2 एम्पियर, जेव्हा आपल्याला मूविंग कॉइल आणि फिक्स्ड कॉइल या सीरीज मध्ये कनेक्ट करायचे असते। अँड वेन दिस टाइप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट इज यूज टू मेजर अ हेवी अमाउंट ऑफ करंट, तेव्हा या टाइपचं इन्स्ट्रुमेंट आपण यूज करतो तिथला हेवी अमाउंट ऑफ करंट मेजर करण्यासाठी, दॅट इज अबाउट 20 एम्पियर, देन द मूव्हिंग कॉइल इज युजली कनेक्टेड इन सिरीज विथ अ स्वॅपिंग रेझिस्टन्स, तेव्हा मूव्हिंग कॉइल आपल्याला युजली स्वॅपिंग रेझिस्टन्सच्या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायला लागते अक्रॉस अ शंट। ठीक आहे, अँड टुगेदर विथ द फिक्स्ड कॉइल्स स्वॅपिंग रेझिस्टन्स then across a shunt and together with a fixed coil. Then fixed coils are made up of thick wires to carry the larger currents. Fixed coils आपण thick wires ने बनवतो कारण तिथे larger currents carry केले पाहिजेत त्या fixed coils। ठीक, समजू या की सेकंड पॉइंट क्या दिया है कि जब हम ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हेवी अमाउंट ऑफ करंट मेजर करने के लिए, दैट इज अबाउट 20 एम्पियर तक, तो मूविंग कॉइल जो है वो यूजुअली कनेक्टेड की होती है सीरीज में स्वैपिंग रेजिस्टेंस के, देन अक्रॉस द शंट के एंड टुगेदर विद द फिक्स्ड कॉइल्स के। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉइल जो है आपके वो थिक वायर से आपको बनाने होते हैं ताकि वहां पे लार्जर करंट्स वो फिक्स्ड कॉइल कैरी कर सके। ठीक है, यह है फर्स्ट एप्लीकेशन एज एन एमीटर। सेकंड एप्लीकेशन है एज अ वोल्टमीटर। ठीक है, तो to use the instrument as a voltmeter, the coils are wound with high resistance wire. ये instrument हम जब voltmeter बोल के उसको use करते हैं तब coils अपने को high resistance wire से wound करने होते हैं and fixed and moving coils are connected in series with a high resistance. और आपके fixed and moving coils को connect करना होता है series में वो high resistance के। ठीक है, तेव्हा या इन्स्ट्रुमेंटला आपल्याला वोल्टमीटर म्हणून यूज करायचं, तेव्हा कॉइल्स आपण हाय रेझिस्टन्स वायर्सनं वाऊंड करतो आणि इथल्या फिक्स्ड आणि मूव्हिंग कॉइल
या सिरीज मध्ये कनेक्ट करायचे असतात आपल्या हाय रेझिस्टन्स. ठीक आहे, हे त्याचे ऍप्लिकेशन्स आहेत इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वॅट मीटर. नाउ विल सी नेक्स्ट पॉइंट, दॅट मीन्स पॉलीफेज वॅट मीटर. जसं आपण इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप वॅट मीटर पाहिलं तसं आता पॉलीफेज वॅट मीटर पहा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी डी कन्स्ट्रक्शन, किंवा तिला आपण कन्स्ट्रक्शन पाहू. सो दी डायनोमीटर टाइप पॉलीफेज वॅट मीटर इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर इन अ थ्री फेज बॅलेन्स्ड अँड अनबॅलेन्स्ड स्टार ऑर डेल्टा कनेक्टेड लोड. हे जे डायनोमीटर टाईपचं पॉलीफेज वॅट मीटर आहे ते यूज करतो आपण थ्री फेज पॉवर मेजरमेंटसाठी. ती एक तर बॅलेन्स्ड असेल किंवा अनबॅलेन्स्ड स्टार आणि डेल्टा कनेक्टेड लोड्समध्ये. ठीक आहे, त्याच्यासाठी आपण हे पॉलीफेजचं डायनोमीटर टाईपचं वॅट मीटर यूज करू. ठीक आहे, सो व्हॉट इज मीन बाय बॅलेन्स अँड अनबॅलेन्स लोड स्टार अँड डेल्टा कनेक्टेड लोड. ठीक आहे, बैलेंस लोड क्या होता है कि जिसमें सारे इम्पीडेंसेस के वैल्यू, ठीक है, सारे इम्पीडेंसेस के वैल्यू वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, यानी सपोज इम्पीडेंस आपका रहेगा आर प्लस जे ऑफ एक्स, एक्स एल लोगे आप. ठीक है, वहां पे दो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ऐसे दो टाइप्स है रिएक्टेंस के. तो अगर आपने इम्पीडेंस को जेड प्लस जेड इज इक्वल टू आर प्लस जो ऑफ एक्सीएल लिया, तो सारे तीनों फेज के लिए जो भी इम्पीडेंस लोगे आप वही लेना है. ठीक है, तो इम्पीडेंस सेम होना चाहिए. ठीक है, देन करंट गोइंग थ्रू ईच फेज इज ऑल्सो सेम, देन वोल्टेज मेजर्ड अक्रॉस ईच फेज इज ऑल्सो सेम, देन दैट टाइप ऑफ लोड इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड, तब उसको बोलते हैं बैलेंस्ड. और अनबैलेंस लोड इसमें ये जो कंडीशंस बोले उसमें से एक भी कंडीशन अगर वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है तब उसको बोलते हैं अनबैलेंस लोड. ठीक, एंड स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड्स. ठीक है, ये तो हमें आगे देखना है स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड लोड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट कंस्ट्रक्शन का. सेकेंड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीफेज वैटमीटर इज सेम एज दैट ऑफ द सिंगल फेज वैटमीटर. जे कन्स्ट्रक्शन आहे पॉलीफेज वॅटमीटरचं ते सेम सिंगल फेज वॅटमीटर सारखंच असतं. ओनली द डिफरन्स इज दॅट इट कन्सिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ करंट कॉइल्स अँड प्रेशर कॉइल्स. फक्त इथं काय केलेलं आहे आपण त्या दोघांच्या डिफरन्स कन्स्ट्रक्शनमध्ये एवढाच डिफरन्स आहे की इथं पॉलीफेज वॅटमीटर्समध्ये दोन सेट्स असतात करंट कॉइलचे आणि प्रेशर कॉइलचे. इथं एक एकच सेट यूज केलं आपण, इथं दोन दोन सेट यूज करायचे. ठीक आहे, एवढाच डिफरन्स आहे दोन्हीच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये. थर्ड पॉइंट है वन सेट ऑफ कॉइल्स इज नोन एज वन एलिमेंट, जिसमें टू फिक्स्ड कॉइल्स रहेंगे और एक मूविंग कॉइल रहेगा. ठीक है, एक सेटला अपन मनना रहे वन एलिमेंट, एक का सेटला कॉइल चा मनना रहे अपन एक एलिमेंट, ज्यादा दोन फिक्स्ड कॉइल्स असतील आणि एक मूविंग कॉइल. ठीक है, देन बोथ द मूविंग कॉइल्स आर अटैच ऑन टू द सेम स्पिंडल. जो दोनों मूविंग कॉइल्स है वो सेम स्पिंडल को अटैच किए होते हैं एंड द पॉइंटर इज अटैच टू द सेम स्पिंडल, और उसको ये आपका पॉइंटर अटैच किया होता है. तो टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द टू एलिमेंट्स मैग्नेटिक स्क्रीन इज फिटेड बिटवीन द टू एलिमेंट्स. वहाँ पे इंटरफेरेंस जो है दो मैग्नेटिक फील्ड का उसका अवॉइड करने के लिए जो दो एलिमेंट ने प्रोड्यूस किया होता है उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक स्क्रीन फिट की होती है दो एलिमेंट्स. ठीक है, तो मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपके ये जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो सके. ठीक है, तो ये है डायग्राम, यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो जैसे सिंगल फेज डायनोमीटर टाइप का कंस्ट्रक्शन था वैसा ही है कंस्ट्रक्शन, सिर्फ यहाँ पे दो दो सेट यूज किए हैं अपन. तो ये है आपकी कैलिब्रेटेड स्केल, ये है आपका पॉइंटर, ये है आपकी कंट्रोल स्प्रिंग्स, ये है आपकी ज्वेल बियरिंग्स दोनों. ठीक है, देन यहाँ पे दो फिक्स्ड कॉइल्स है. ठीक है, और एक मूविंग कॉइल है, ये एलिमेंट नंबर वन हो गया. ठीक है, अभी यहाँ पे एक मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड की है स्क्रीन, अभी मैंने बोला जो पॉइंट. ठीक है, और उसके नीचे फिर से दो फिक्स्ड कॉइल और एक मूविंग कॉइल है. ठीक है, यहाँ पे दो, यहाँ पे F1 ये दो फिक्स्ड कॉइल थे और M1 आपका मूविंग कॉइल था. यहाँ पे F2 ये फिक्स्ड कॉइल्स रहेंगे और M2 आपका मूविंग कॉइल रहेगा. ये एलिमेंट नंबर वन है, ये एलिमेंट नंबर टू है. क्लियर है, समझ में? तो अभी ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे. इसके सेम कंस्ट्रक्शन है दोनों का,
फेज वाट मीटर का एंड सिंगल फेज वाट मीटर का, सिर्फ डिफरेंस किसमें है कि इसमें दो दो सेट्स यूज करने हैं, करंट कॉइल एंड प्रेशर कॉइल के। यहाँ पे देखो ये दो सेट है, ये एक फिक्स्ड कॉइल का सेट है और ये दूसरा सेट है, और ये दो मूविंग कॉइल का एक एक सेट है और ये दूसरा सेट। देन वन सेट को हम वन एलिमेंट बोलते हैं, एक सेट जो है कॉइल का, एक सेट जो है कॉइल का इसको बोलते हैं वन एलिमेंट, और जो दूसरा जो सेट है कॉइल का उसको बोलते हैं एलिमेंट नंबर टू। वो द मूविंग कॉइल्स आर अटैच टू द सेम स्पिंडल, यहाँ पे दिख रहा है आपको दोनों जो मूविंग कॉइल्स है वो सेम स्पिंडल पे अटैच किए हुए। ये आपका स्पिंडल है ठीक है, इसको मूविंग कॉइल जिसके ऊपर ये मूविंग कॉइल्स अटैच किए हैं ठीक है। देन द पॉइंटर इज ऑल्सो अटैच टू द सेम स्पिंडल, आपका पॉइंटर भी किसको अटैच है, सेम स्पिंडल को अटैच ठीक है। देन नेक्स्ट, टू अवॉइड द इंटरफेरेंस बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई द टू एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसमें जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुआ है उसको अवॉइड करने के लिए वहाँ पे मैग्नेटिक स्क्रीन फिट की होती है दो एलिमेंट। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको दो एलिमेंट में मैग्नेटिक स्क्रीन यानी मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड की, क्लियर है, समझ में आया। तो ये है आपका सिंपल कंस्ट्रक्शन ठीक है। इसका कनेक्शन स्कीम कैसी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दो वाट मीटर कनेक्टेड है, एक एलिमेंट नंबर वन है और ये एलिमेंट नंबर टू है। यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई है आपका आर वाई बी, ये थ्री फेज लोड है आपका। वाट मीटर के चार टर्मिनल्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बोला है आपको एम वन एल वन सी वन वी वन, ये एक वाट मीटर रहेगा और ये सेकंड वाट मीटर रहेगा एम टू एल टू सी टू एंड वी टू, क्लियर है। ये कनेक्शन स्कीम है आपके थ्री फेज वाट। अभी इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखो इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर। इसका भी प्रिंसिपल सेम आपके सिंगल फेज डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर जैसा ही होता है। तो द कनेक्शन ऑफ द कॉइल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, जो कनेक्शन होते हैं आपके दोनों जो कनेक्शन होते हैं कॉइल्स के दोनों एलिमेंट्स के वो एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ द टू वाट मीटर मेथड यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पावर। जो दो वाट मीटर मेथड यूज होती है पावर मेजर करने के लिए वैसे ही कनेक्शन है आपके कॉइल के दोनों एलिमेंट्स के ठीक है। तो फाइव टर्मिनल्स आर प्रोवाइडेड ऑन मीटर बॉक्स मार्क एज, इसमें फाइव टर्मिनल्स प्रोवाइड किए होते हैं मीटर बॉक्स के ऊपर ठीक है। क्या क्या टर्मिनल्स है आपका, एक है यम यम वन यम टू ठीक है, ये है आपका यम वन ये यम टू, देन यल वन यल टू यल वन यल टू ठीक है, एंड आपका वी है। यहाँ पे एम वन एंड एम टू है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, एम वन एम टू एल वन एल टू एंड वी टर्मिनल आपका कॉमन है यहाँ पे दिखा है ठीक। तो ऐसे पांच टर्मिनल्स है आपके मीटर बॉक्स ठीक है। सो दी टर्मिनल्स आर टू बी कनेक्टेड ही एज शोन इन फिगर, ऐसे इसको ये टर्मिनल्स को आपको ये फिगर से कनेक्ट करना। इन द पावर कंज्यूम बाय द लोड इज इक्वल टू द रीडिंग ऑफ द वाट मीटर, तो पावर कंज्यूम किया होगा लोड ने वो इक्वल रहेगा आपके वाट मीटर के रीडिंग से ठीक है। समझ में आया इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कुछ डाउट इसमें। ये है आपका पॉलीफेज वाट मीटर, जैसा आपका सिंगल फेज का है वैसा ही आपका पॉलीफेज का वाट मीटर। नाउ विल सी थर्ड टाइप ऑफ वाट मीटर, दैट इज इंडक्शन टाइप वाट मीटर ठीक है। इंडक्शन टाइप का वाट मीटर कैसे होता है, तो पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पे डायग्राम पहले देखने से अपने को डायग्राम में जो जो नाम दिए हैं उससे हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे तो उसका कंस्ट्रक्शन बन जाएगा ठीक है। तो ये है आपका शंट मैग्नेट, ये जो दिख रहा है आपको ये है आपके शंट मैग्नेट। देन ये है आपका, ये शंट मैग्नेट ऊपर का है आपका ठीक है, अपर शंट मैग्नेट है, और ये जो लोअर है वो है आपका सीरीज मैग्नेट। इसको बोलते हैं लिम, वर्टिकल पार्ट जो होता है कोर का, ये कोर है आपकी यानी आपका ये शंट मैग्नेट की कोर है। तो इस जो वर्टिकल पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं लिम। तो ऐसे कितने लिम है यहाँ पे, एक दो और तीन ठीक है। तो जो मिडल लिम है उसके ऊपर हमने कॉपर शेडिंग बैंड्स वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कॉइल है, यहाँ पे आपकी करंट कॉइल, और यहाँ पे मूविंग डिस्क है ठीक है, और ये लोड कनेक्ट है, और यहाँ पे अपने को सप्लाई देना होगा। तो ये सिंपल डायग्राम है आपके इंडक्शन का वाट मीटर ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं देखेंगे, तो
फर्स्ट पॉइंट यह है, इंडक्शन टाइप वैटमीटर कंसिस्ट ऑफ टू लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें दो लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, उसमें एक है आपका शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा है आपका सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है आपका शंट शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये है आपका सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्लियर है? ऐसे दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, लैमिनेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आ है, द शंट मैग्नेट इज एक्साइटेड बाय द करंट फ्लोइंग प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस लोड फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल। शंट मैग्नेट, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान में आना चाहिए अभी, ठीक है। शंट मैग्नेट इज एक्साइटेड बाय द करंट फ्लोइंग प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस लोड फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल। शंट मॅग्नेटला आपल्याला एक्साइट करायचं आहे तिथल्या करंट ना, आणि तो करंट हा प्रोपोर्शनल असणार आहे तिथल्या व्होल्टेज अक्रॉस लोडला फ्लोइंग थ्रू दी, जो आपला फ्लो होणार आहे फ्लोइंग थ्रू दी प्रेशर कॉइल म्हणून, ठीक आहे। शंट मॅग्नेटला आपल्याला एक्साइट करायचं आहे तिथल्या करंट ना, तो करंट हा तिथल्या लोडच्या अक्रॉसच्या व्होल्टेजला प्रोपोर्शनल असणार आहे जो तिथल्या प्रेशर कॉइल मधून फ्लो होणार। दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। अँड सिरीज मॅग्नेट इज एक्साइटेड बाय करंट। सिरीज मॅग्नेट ला सुद्धा आपल्याला करंट ना एक्साइट करायचे, पण तो करंट कसा असणार आहे, प्रोपोर्शनल टू दी व्होल्टेज अक्रॉस दी लोड फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल। म्हणजे इथं तोच पॉइंट सांगितलाय आपण, प्रोपोर्शनल टू दी व्होल्टेज अक्रॉस दी लोड फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल अँड द लोड करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल, ठीक आहे। लोड करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल, अशा दोन्हीला हा सिरीज मॅग्नेट मधून जो मॅग्नेटला जो करंट आपण देतोय एक्साइट करतोय तो या दोन्हींना प्रोपोर्शनल असेल। एक तर व्होल्टेज अक्रॉस लोड फ्लोइंग थ्रू दी प्रेशर कॉइल आणि दुसरं म्हणजे लोड करंट फ्लोइंग थ्रू दी करंट कॉइल। क्लिअर आहे? समज में आहे की शंट मॅग्नेट कैसे एक्साइट करना है, आपको करंट से एक्साइट करना है। वो करंट आपका प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्टेज अक्रॉस लोड को, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है प्रेशर कॉइल में, ठीक है। और सीरीज मैग्नेट को भी आपको एक्साइट करना है करंट से, जो आपको आपका फिर से एक बार प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज अक्रॉस लोड फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल को एंड लोड करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट कॉइल को, ठीक है। ये है सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट है, अ थीन डिस्क मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम पाइवोटेड एट इट्स सेंटर। एक थीन डिस्क लेनी है आपको कॉपर या एल्यूमिनियम की, जो पाइवोट की होती है सेंटर में, एंड इज प्लेस्ड बिटवीन द शंट एंड सीरीज मैग्नेट। वो कहाँ पे प्लेस करनी है आपको, शंट एंड सीरीज मैग्नेट के बीच में प्लेस किया है ये डिस्क, ठीक है। ये एल्यूमिनियम या कॉपर से बनाते हैं अपन। एंड वो क्यों दोनों मैग्नेट्स के बीच में प्लेस करनी है अपने को, सो दैट इट कट्स द फ्लक्स फ्रॉम बोथ द मैग्नेट्स, ताकि दोनों तरफ से जो फ्लक्स आ रहा है आपका, यानी शंट मैग्नेट से और सीरीज मैग्नेट से जो फ्लक्स आ रहा है उसको वो डिस्क क्या करेगी, कट करेगी, ठीक। समझ लो, इथं एक ॲल्युमिनियम डिस्क आपण कॉपर किंवा ॲल्युमिनियम पासून बनवलेली घेतली आहे आणि ती पायवोट केलेली सेंटरला आणि ती आपण प्लेस केली शंट आणि सिरीज मॅग्नेटच्या मध्ये, जेणेकरून इथं जे फ्लक्स येणार आहे दोन्ही मॅग्नेट्सकडनं त्याला ती डिस्क काय करेल, कट करेल, ठीक आहे। नाऊ द डिफ्लेक्शन टॉर्क इज प्रोड्यूस बाय द इंटरॅक्शन ऑफ ईडी करंट इंड्यूस्ड इन द डिस्क। जे डिफ्लेक्शन आहे, डिफ्लेक्शन टॉर्क आहे, तो प्रोड्यूस होणार आहे आपला, कशामुळे प्रोड्यूस होणार आहे, बाय द इंटरॅक्शन ऑफ ईडी करंट इंड्यूस इन द डिस्क अँड द इंड्युसिंग फ्लक्स इन ऑर्डर टू कॉज द रिझल्टंट फ्लक्स इन द शंट मॅग्नेट टू लॅग इन फेज बाय एक्झॅक्टली 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड व्होल्टेज। आता डिफ्लेक्शन टॉर्क आपला प्रोड्यूस होणार आहे इंटरॅक्शनमुळे, तिथल्या ईडी करंट जो इंड्यूस होतो डिस्कमध्ये त्याचं इंटरॅक्शन आणि इथल्या इंड्यूस फ्लक्सचं इंटरॅक्शन, या दोघांच्या इंटरॅक्शनमुळे तिथं डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे आपला। आणि इन ऑर्डर टू कॉज द रिझल्टंट फ्लक्स, त्यामुळे रिझल्टंट फ्लक्स जो आहे शंट मॅग्नेटचा तो लॅगिंगमध्ये असणार आहे आपल्या अप्लाइड व्होल्टेजच्या बाय एक्झॅक्टली 90 डिग्री, ठीक आहे। अँड वन ऑर मोर कॉपर रिंग्स नोन ॲज कॉपर शेडिंग बँड आर प्रोव्हाइडेड ऑन वन लिम ॲट द शंट मॅग्नेट। तर एक वन किंवा एकापेक्षा जास्त कॉपर रिंग्स आपण प्रोव्हाइड केलेले आहेत त्याला आपण कॉपर शेडिंग बँड म्हटलेलं आहे। तर कुठं प्रोव्हाइड करायचे आहेत, शंट मॅग्नेटच्या एका लिमवर, म्हणजे सेंट्रल लिमवर। क्लिअर? यहाँ पे दिया है डायग्राम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जे आहे,
corrected disappointed between shunt and series magnet fluxes may be attained by adjusting the position of copper shedding bands. कॉपर शेडिंग बैंड्स की पोजिशन ऍडजस्ट करून आपण तिथं शंट आणि सिरीज मॅग्नेट जो फ्लक्स आहे ते आपण ऍडजस्ट करू शकतो. ठीक आहे, जो कॉपर शेडिंग बँड है उसकी पोजिशन ऍडजस्ट करके हम वहां के शंट एंड सीरीज मैग्नेट के फ्लक्सेस को करेक्टली ऍडजस्ट कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट दिया है द प्रेशर कॉइल सर्किट ऑफ इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मेड एज इंडक्टिव. ठीक है, प्रेशर कॉइल जो है आपके ये इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का वो आपको इंडक्टिव बनाना है एज पॉसिबल. ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके वो उसको आपको इंडक्शन टाइप के सर्किट प्रेशर कॉइल सर्किट को आपको इंडक्टिव बनाना है सो दैट द फ्लक्स ऑफ द शंट मैग्नेट मे लैग बाय 90 डिग्री बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज, ताकि आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस किया है शंट मैग्नेट ने वो लैगिंग कंडीशन में रह जाए आपकी अप्लाइड वोल्टेज से. ठीक है, प्रेशर कॉइलचं सर्किट जे आहे आपल्याला इंडक्शन टाईप इन्स्ट्रुमेंटचं ते आपल्याला होईल तेवढं पॉसिबल इंडक्टिव्ह बनवायचं आहे, जेणेकरून तिथलं फ्लक्स जे प्रोड्यूस केलेलं आहे शंट मॅग्नेट ना तो लॅगिंग मध्ये असणार आहे 90 डिग्री ना तिथले अप्लाइड व्होल्टेजच्या. ठीक आहे, आणि त्यामुळे इट कॅन बी प्रूव्ह दॅट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्च इज प्रपोर्शनल टू, त्यामुळे डिफ्लेक्टिंग टॉर्चचं इक्वेशन असणार आहे टी डी इज प्रपोर्शनल टू व्ही आय कॉस फाय, आणि व्ही आय कशाचा फॉर्म्युला आहे माहिती आहे आपल्याला पॉवरचा, टी डी इज प्रपोर्शनल टू पॉवर इन दी सर्किट. So since the deflecting torque is proportional to the power in that circuit and the instrument is spring control, the scale is uniform. त्यामुळे deflection torque हा इथे power ला proportional आहे आणि instrument हे आपलं spring control आहे, त्यामुळे scale कशी असणार आहे induction type वॅट मीटरची uniform असणार आहे. Similarly for the dynamometer type वॅट मीटर also scale is uniform. डायनामीटरची scale सुद्धा कशी uniform. Then induction type of wattmeter has following advantage such as the greater deflecting torque and length of the scale. Induction type of wattmeter चे काही advantages आहेत, त्यामध्ये पहिला advantage आहे greater deflecting torque मिळतो आणि length of the scale मिळते. ठीक, हे दो advantages, but it suffers from following drawbacks. इसमें कुछ drawbacks भी हैं such as less accuracy, इसकी accuracy less है, large power consumption होता है. ठीक है, then greater weight of मूविंग सिस्टम है यहाँ पे एंड कैन बी यूज ओनली विद दी एसी सर्किट, और ये सिर्फ एसी सर्किट के लिए ही यूज होता है इंडक्शन टाइप का बैट. ठीक है, तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स. क्लियर है, समझ में आया, कुछ डाउट इसमें? नाउ विल सी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वैट मीटर, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वैल्यू ऑफ द वैटमीटर रीडिंग. फाइनल वैल्यू अगर निकालनी है आपके वैटमीटर रीडिंग की तो हमें वहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की जरूरत होती है. तो इसका सिंपल फॉर्मूला है मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज रेंज इंटू करंट रेंज इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन. समझ रहे हैं, तो सिंपल ये फॉर्मूला है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का. सपोज वोल्टेज रेंज जो अपने सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज रेंज क्या होती है 220 वोल्ट 230 वोल्ट होती है, तो 230 इंटू उसमें से करंट कितना फ्लो होता है अपना सपोज 5-6 एम्पियर होगा, तो 230 इंटू 6 इंटू वहां का पावर फैक्टर सपोज कंसीडर करेंगे अपन 0.8, तो 0.8 डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है आपके वैट मीटर का वो सपोज आपका 750 है, तो उसको 750 से डिवाइड करो आपको वहां का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट करने आएगा. ठीक है, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर वैट मीटर इज दैट पैरामीटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये दूसरी डेफिनेशन दी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वैट मीटर फॉर वैट मीटर इज दैट पैरामीटर बाय वर्च्यू ऑफ विच वन कैन यूज स्मॉल स्केल वैट मीटर टू गेट द पावर रीडिंग अप टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टाइम्स दैट इज मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट स्केल पॉसिबल फॉर अ गिवन वैट मीटर. मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वैट मीटर का एक ऐसा पैरामीटर है जिसके वजह से हम वहां पे स्मॉल स्केल वैट मीटर को भी हम वहां के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से उसमें ज्यादा वैल्यू वहां पे रीड कर सकते हैं, पावर रीडिंग्स वहां पे ले सकते हैं. दैट इज द स्मॉलेस्ट स्केल फॉर द गिवन वैट मीटर. ठीक, सो इट अलाउज टू मेजर पावर अप टू 4-6 टाइम्स द पावर वैट मीटर कैन मेजर फॉर द स्मॉलेस्ट स्केल. स्मॉलेस्ट स्केल से जो पावर मेजर करते हैं अपन
उससे 4 से 6 गुना ज्यादा हम वहां पे पावर मेजर कर सकते। ठीक है, म्हणजे याचा अर्थ काय बघा, मल्टीप्लाइंग फॅक्टर म्हणजे आपण जी मल्टीप्लाइंग फॅक्टर हा एक असा पॅरामीटर आहे ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, स्मॉल स्केल वॅट मीटरच आपण हाय पॉवर रीडिंगसाठी तिथं यूज करू शकतो, म्हणजे त्याला मल्टिप्लिकेशन फॅक्टरनं आपल्याला मल्टीप्लाय करायचं असतं। ठीक आहे, जेणेकरून स्मॉलेस्ट स्केल जी आहे त्या गिवन वॅट मीटरची त्याच्यापेक्षा आपल्याला जास्त रीडिंग तिथं मेजर करता येते, म्हणजे 750 सपोज मॅक्झिमम आपली रीडिंग घेता येत आपल्याला एका वॅट मीटर वरती, म्हणजे त्याचं फुल स्केल रिफ्लेक्शन 750 आहे, पण आपल्याला 750 वॅट पेक्षा जास्त पॉवर मेजर करायची। ठीक आहे, त्यावेळेस आपण काय करतो, मग त्याला मल्टिप्लाइंग फॅक्टरनं मल्टिप्लाय करतो, जेणेकरून आपल्याला त्याच्या 4 ते 6 पट जास्त पॉवर तिथं मेजर करता येते। क्लिअर आहे, तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टिप्लाइंग फॅक्टर ऑफ वॅट। क्लिअर आहे, कुछ डाउट इसमें? ओके, सो याची रिक्वायरमेंट काय मग मल्टिप्लाइंग फॅक्टरची? ठीक आहे, तो रिक्वायरमेंट एक बार देख लेते हैं इसकी क्या क्या है। तो वैट मीटर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट इट कैन रीड पावर ओनली ऑन अ सिंगल स्केल। वैट मीटर जो कंस्ट्रक्ट किया होता है वो ऐसे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया होता है कि वो वहां की पावर रीड करे एक सिंगल स्केल के ऊपर की। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। वैट मीटर अशा प्रकार कंस्ट्रक्ट के लिए जेनेकरून ते रीड करेल तिथली पावर एक सिंगल स्केल वरची, ही पहिली रिक्वायरमेंट है। दुसरी है, वॅट मीटर कन्सिस्ट ऑफ टू कॉइल्स। वॅट मीटर मध्ये 2 कॉइल्स आहेत माहिती आहे आपल्याला, एक असते करंट कॉइल, दुसरी असते प्रेशर कॉइल। देन थर्ड पॉइंट आहे, द एम्पियर रेटिंग ऑफ द करंट कॉइल इज डिसाइडेड बाय सिरीज। एम्पियर रेटिंग जी आहे करंट कॉइलची डिसाइड करतो आपण सिरीज ना, म्हणजेच लो करंट ना, आणि पॅरलल म्हणजे हाय करंट कनेक्शन। आणि व्होल्टेज रेटिंग जी आहे प्रेशर कॉइलची ती डिसाइड करतो आपण सिरीज रेझिस्टन्स ना, म्हणजे मल्टीप्लायर ना जो आपण कनेक्ट केलेला असतो सिरीज मध्ये प्रेशर कॉइलचा। ठीक आहे, व्होल्टेज रेटिंग जो आहे प्रेशर कॉइलची वो डिसाइड करते आपण सिरीज रेझिस्टन्स से एंड मल्टीप्लायर से जो आपण आपण ने प्रेशर कॉइल की सिरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, समझ में आया। एंड देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, बाय सेलेक्टिंग द रेटिंग ऑफ दीज टू कॉइल्स द रेंज एक्सटेंशन कैन बी डन। ये दोनों कॉइल्स की रेटिंग सेलेक्ट करके हम वहां की रेंज एक्सटेंशन तो है वैट मीटर की वो कर सकते हैं। एंड सेम वैट मीटर कैन बी यूज फॉर वन और टू मोर रेंज ऑफ दी पावर। और सेम वैट मीटर हम यूज कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा पावर के रेंज के लिए। ठीक है, तो फॉर ईच रेंज इट्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज डिफरेंट। हर एक रेंज के लिए उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो ये है रिक्वायरमेंट आपके मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आया, कुछ डाउट इसमें? ओके, तो ये पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में देखे हैं। ये पॉलीफेज वैट मीटर देखा, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा, देन उसके बाद हमने इंडक्शन टाइप का वैट मीटर देखा, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखा, और बाद में मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखा हमने और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स में अगर किसी को डाउट्स है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर कुछ स्मॉल एग्जाम्पल्स है, ठीक है, जो आपको दो दो मार्क के लिए आपके मेन एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सो दैट एग्जाम्पल्स विल सॉल्व इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।